फिटनेस गो हैंड इन हैंड. पुलिस में अच्छा काम करने के लिए फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है और मैं ये मानता हूँ कि जो फिट है वो एक अच्छा पुलिस अधिकारी हो सकता है. फिटनेस दिमागी तंदुरुस्ती तो लाती है, शारीरिक तंदुरुस्ती भी लाती है और पुलिस में काम करने के लिए शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती का होना बहुत ही ज़रूरी है. मेरा फिटनेस मंत्रा बहुत पुराना है, बहुत पुरानी रजीम है फिटनेस की मेरी. शुरू से ही बचपन से ही मैं खेलता रहा हूँ और स्पोर्ट्स में बहुत ही मेरी रुचि रही है. ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने अपनी फिटनेस को बहुत कीनली लिया और जितना हमारे को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उस्ताद जी हमारे फिटनेस के लिए रजीम कराते थे उससे बढ़कर मैं अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा करता था. ज्वाइन करने के बाद दिल्ली पुलिस में भी मैंने अपनी फिटनेस रजीम को जारी रखा और लगातार ही अपने आप को कोशिश करके फिट रखा. पिछले कुछ सालों से मैंने एक नया मंत्रा मैराथन दौड़ने का शुरू किया है और हर साल मैं ये एयरटेल हाफ मैराथन दौड़ता हूँ. इस बार भी 20 अक्टूबर को जो ये हाफ मैराथन होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहा हूँ. इसका एक जो थोड़ा छोटा सा इतिहास है कि मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि मैं ये मैराथन नहीं भाग पाऊँगा. 21 किलोमीटर भागना मुझे कहा गया था कि बहुत ही मुश्किल रहेगा और जब मैं पहली मैराथन मैंने भागी तो मैंने अपने दिमाग से भागी और कन्विक्शन के साथ भागी. शरीर मेरा तैयार नहीं था, मुझे बहुत इंजरीज हुई, भागते हुए बहुत परेशानी हुई, मेरे 10 के 10 नाखून काले पड़ गए थे और काफ़ी मसल सोरनेस और बहुत सारी दूसरे इशूज़ हुए थे, लेकिन मैंने वो कम्प्लीट करी और अगले साल जो है फिर दोबारा मैंने तैयारी करके भागी. ये मेरी चौथी मैराथन दौड़ रहेगी. ये एक प्रेरणा मुझे अपने बच्चों सुयश और सानवी से भी मिली जो मुझे अक्सर कहा करते थे कि पापा आपको मैराथन भागना चाहिए और कई बार ताना भी मारते थे कि आप नहीं भाग पाएंगे. तो उनको प्रूव करने के लिए मैंने ये प्रेरणा लेकर मैराथन कंप्लीट कर चुका हूँ मैं और पहले भी और इस बार फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ इसकी. मैराथन भागने के साथ साथ जो मुझे एक खुशी मिलती है और जो मेरा फिटनेस इम्प्रूव होती है उससे मुझे जो काम करने में तंदुरुस्ती और चुस्ती आती है उसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस में रहकर जो पुलिस ऑफिसर या पुलिस का स्टाफ या पुलिस का जो अधिकारी है वो फिटनेस रजीम को फॉलो करके अपने शरीर को और अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकता है तो एक वो बहुत कामयाब पुलिस ऑफिसर बन सकता है. क्योंकि हमारे को कई बार बहुत लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खड़ा रहना पड़ता है और कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, वेदर की भी कड़ी धूप होती है या कड़ी ठंड भी होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, लेट नाइट होती है. अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, फिट नहीं होगा तो हम लोगों के लिए ये जो अपने काम करने का हमारा जो एक परफॉर्मेंस जो लेवल है वो कम हो जाएगा और हम लोग उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर रहकर हमारे साथ जो स्टाफ है उसके लिए हमने बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं ताकि जो एयरपोर्ट यूनिट है वो जितना भी स्टाफ यहाँ काम करता है फिट रह सके. हमारे पास इस पुलिस स्टेशन में जिम है जो यहाँ का स्टाफ यूज़ करता है और अपने आप को तंदुरुस्त रखता है. Thank you.